हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीश ढांगी व्लॉग। तो ये आज कटिंग का तीसरा दिन, बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ चुका है। तो फ्रेंड्स, लूज माल था वो ले लिया गया है और मशीन के जो ऑपरेटर हैं वो नीचे उतर के निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पर लूज माल है, तो वहाँ से ट्रैक्टर लोड किए जाएँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा हार्ड, और ये हमारी मशीन जो फर्स्ट डे लगी थी अभी भी यहीं पर है, और ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं। अब लोडिंग कहाँ से करें देखा जा रहा है। हमारे एक ऑपरेटर और एक ड्राइवर चुनीलाल जी दोनों निरीक्षण करके देख रहे हैं कि कहाँ से लूज कटिंग ली जाए। साइड इंचार्ज, साइड निरीक्षण मोहन जी डांगी मनवाखेड़ा की तरफ से। और ये मशीन को वापस चालू करवाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोहन जी मनवाखेड़ा, इन्होंने ये साइड ले रखी है। और हार्ड आ गया है तो आगे वाली पार्टी से बात चल रही है। और ये हमारी मशीन, मशीन को अंदर की ओर लगा के शायद लूज माल उठाने के लिए करा जा रहा है। ये देखिए पूरा पहिया हवा में है मशीन का। देखिए फ्रेंड्स, पूरी मशीन बेसमेंट के अंदर उतर चुकी है। पास में बेसमेंट खुदा हुआ था उसमें पहुंच चुकी है, और वहां से मुड़ा कर जो हार्ड है उसको लूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ चुका है, और मशीन वाले जो ऑपरेटर है वो भी परेशान हो रहे हैं हार्ड के कारण। वेस्टेज पड़ा हुआ है कचरा, उसको हटाया जा रहा है लूज माल हटाने के लिए। और ये मोहन जी डांगी मनवाखेड़ा जो निरीक्षण दे रहे हैं कि इस तरह से और इस हिसाब से कटिंग करो। देखिए फ्रेंड्स, मशीन के जो आगे दांते लगे हुए हैं बकेट के, वो भी सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं।
सचिन बेसमेंट से बाहर निकल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ का काम अब पूरा हो चुका है और मशीन और ट्रैक्टर दोनों निकल चुके हैं अपने अपने घर के लिए। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। फ्रेंड्स ये ट्रैक्टर मशीन जा रहे हैं, देख लीजिए।